हाय, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग नॉलेज मॉड्यूलेशन। दोस्तों, आज का जो अपना वीडियो है वो हाउ टू बिकम ए नेटवर्क इंजीनियर। अगर आपको नेटवर्क में करियर बनाना है, एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपको काम करना है, तो आप नेटवर्क इंजीनियर कैसे बन सकते हो, इसके लिए प्रीरिक्विजिट क्या लगता है, आपको कौन से नॉलेज आना चाहिए, आपका बैकग्राउंड क्या रहना चाहिए, ये सब बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ नेटवर्क इंजीनियर। जब तक आपको ये बात पता नहीं चलेगी कि नेटवर्किंग इंजीनियर जो रहता है, नेटवर्क इंजीनियर जो रहता है, उसका काम क्या रहता है, या फिर नेटवर्क इंजीनियर बनने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा, ये सब बातें अगर आपको पता रहेगा तभी तो जाके आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में बढ़ेगा। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस व्हाट इज अ नेटवर्क इंजीनियर। नेटवर्क इंजीनियर्स ऑल्सो वी कैन कॉल एज अ नेटवर्क आर्किटेक्ट। सपोज आपका एक ऑफिस है और आप किधर भी काम कर रहे हो और आपका एक सेटअप है, तो फिर पूरे ऑफिस को नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंटरनेट तो लगेगा ही लगेगा ऑफिस में, पूरे ऑफिस में। सो उसमें इंटरनेट आ गया, आपकी सिक्योरिटीज आ गई, लैंड कनेक्शन आ गया, वैन कनेक्शन आ गया, वायरलेस नेटवर्क्स आ गया, तो ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप है, इसका प्लान करना, इसको मेंटेन करना, इसको इसमें अगर ऑलरेडी सेटअप बनाया हुआ है तो इसमें ट्रबल शूट करना, समझो किसी यूजर को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, किसका लैंड डिटेक्ट नहीं हो रहा है, किसका वाईफाई प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो ये सब बातें जो है वो नेटवर्क इंजीनियर के जॉब डिस्क्रिप्शन में, जॉब प्रोफाइल में मेंटेन होती है। इसके साथ ही अगर आपका नया ऑफिस है तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। मोस्टली हम लोग लैंड कनेक्शन यूज़ नहीं करते, सब लोग वायरलेस पे ही काम करते, तो फिर उसमें वायरलेस इंस्टॉलेशन आता है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स आते हैं, तो वो क्या रहता है, वो कैसे इंस्टॉल करना है, उसको उनका वर्किंग कैसा रहता है, तो यही सब बातें हम लोग आगे जाके डिटेल में बात करेंगे। और ये पूरे व्हाट इज अ नेटवर्क इंजीनियर, ये पूरे कॉन्सेप्ट को तीन पॉइंट्स में बांटा है। इसमें से पहला पॉइंट जो है वो है इस नेटवर्किंग अ गुड करियर, सेकंड है हाउ मच डू नेटवर्क इंजीनियर्स मेक, थर्ड है एक्सपीरियंस लेवल। अगर आपको नेटवर्क इंजीनियर एज अ वर्क करना है तो क्या इसका स्कोप है, क्या आप अगर फ्यूचर में इसके साथ नेटवर्किंग के साथ अपना फ्यूचर बना सकते हो, तो ये सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको मैं बताता हूँ, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक करके एक वेबसाइट रहती है, एक पोर्टल रहता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड में कौन सी जो प्रोफाइल रहेगी, जो डिमांड में आने वाली है, कौन सी जो प्रोफाइल्स है वो नीचे जाने वाली है, ये सब स्टैटिस्टिक्स एनालिस करते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि 2016 से लेकर 2026 तक जो नेटवर्किंग का जितना भी जॉब्स है वो सब ग्रोथ पे जाने वाले हैं। अभी हम लोग बात करेंगे सेकंड पॉइंट सैलरी की। तो आपको मैं बता दूं कि एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो रहता है, जो कि वेल एक्सपीरियंस रहता है, 5 to 10 years का जिसका एक्सपीरियंस रहेगा, उसका एवरेज सैलरी जो है वो अगर यूएस डॉलर में हम लोग देखें तो $72,000 इतना रहता है। अगर आपको नेटवर्क इंजीनियर बनना है तो इसके लिए क्या आपको क्या करना चाहिए और आपके पास क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो सबसे मेन बात जो है कि बहुत सारी कंपनी जो है, अगर आपको एमएनसीज में काम करना है और तो इनकी मेन एक रिक्वायरमेंट रहती है कि आपकी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ये बैचलर्स डिग्री आप कंप्यूटर साइंस में भी कर सकते हो, कंप्यूटर इंजीनियर में कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी कर सकते हो, तो कोई भी आईटी में से फील्ड से आप नेटवर्किंग साइड में जा सकते हो। और अभी बहुत सारी ऐसी जगह है वहाँ पे आपको कॉमर्स साइड से भी बंदे मिलेंगे जो कि नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं, तो बेसिकली आपका जो इंटरेस्ट है वो भी मायने रखता है, क्योंकि अगर आपको नेटवर्किंग में काम करने का इंटरेस्ट है, आपने उतना एफर्ट्स डाला है, तो आप CCNA जैसा कोर्स करके, आपकी अगर कैपेबिलिटी है उतनी, तो CCNA आप कोर्स करके भी नेटवर्किंग में जा सकते हो, भले आपका बैकग्राउंड कॉमर्स क्यों ना हो। लेकिन आगे जाके अगर MNCs रहेगी या फिर कोई बड़ी कंपनीज रहेगी या फिर छोटी कंपनी भी रहेगी, लेकिन उनका कोई क्राइटेरिया रहता है, तो उस टाइम पे आपको वो पॉइंट से पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बैचलर्स ही लगते हैं। कोई भी आपको डायरेक्टली एज ए नेटवर्क इंजीनियर प्रोफाइल नहीं देगा, क्योंकि आप अगर नेटवर्क इंजीनियर होते हो तो उनका काम ही रहता है कि राउटर पे, स्विचेस पे, हब्स पे, या फिर बड़े बड़े स्विचेस रहते हैं, कोर स्विचेस रहते हैं, उस पर काम करना पड़ता है, और एक स्विचेस पे हज़ारों लोग डिपेंड रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो आपको कोई भी कंपनी डायरेक्टली नेटवर्क इंजीनियर का डेजिग्नेशन नहीं दे देगी, तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, ये मेन पॉइंट है। तो इसलिए आपको स्टार्ट करना है छोटी से छोटी पोजीशन से भी, आपको अगर कोई चांस मिलता है स्टार्टअप करने के लिए तो आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर नेटवर्किंग में जाना रहेगा तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर और डेस्कटॉप इंजीनियर का जॉब रहता है, जिसमें कि आपको बेसिक लेवल का पूरे कंप्यूटर हार्डवेयर का, या फिर जो बेसिक अगर हम लोग एग्जांपल देना चाहे तो आपको अगर क्रिम्पिंग पता है, कलर कोडिंग पता है, तो
ये लेवल से आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी आप अगर एक स्टैंडर्ड लेवल पे जाते हो तो आपको बेसिक से बेसिक चीज़ भी आनी चाहिए। तो ये बेस्ट पॉइंट है कि आप जितना भी स्टार्टअप से आपको स्टार्ट करने मिले वो आपको स्टार्ट करना ही चाहिए। नेटवर्क इंजीनियर को अभी बेसिक नॉलेज जो कि हम की स्किल्स बोलते हैं वो क्या क्या आने चाहिए। पहला है क्लाइंट एंड सर्वर्स, जो कि आपको मेल्स, वेबसाइट्स, मेल रहते हैं, वेबसाइट्स रहते हैं, पेजेस रहते हैं, तो इनके सब के बारे में आपको पता रहना चाहिए। मेल सर्वर्स रहते हैं तो फिर इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज रहना जरूरी है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट है कि आप अगर डिग्री आपने कंप्लीट किया है तो आपको पता रहेगा कि CCNA करके आपका एक बेसिक सब्जेक्ट रहता है जिसमें हम लोग को पूरा नेटवर्किंग का बेसिक सिखाया जाता है। तो ये अगर आपको अच्छे से आता है तो TCP/IP प्रोटोकॉल, ISO प्रोटोकॉल जो भी है, जितने भी है, आपको प्रॉपर आना चाहिए। उसके बाद आप अगर सिमुलेशंस का सॉफ्टवेयर देखोगे, जैसे कि पैकेट ट्रेसर है, GNS3 है, तो ऐसे पूरा आपको प्रैक्टिकल भी करने आना चाहिए। अगर आपको कोई एक स्विच दे दे, बोले कि मुझे इस पे VLAN कनेक्ट करके दे दो या फिर VLAN क्रिएट करके दे दो, STP करके दे दो, तो आपको वो सब कॉन्फ़िगरेशन उस करने के लिए आना चाहिए। इसके आगे का लेवल जो है, जो कि आप अगर डेटा सेंटर में या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर्स रहते हैं उनके यहाँ पे का जो आप के लिए जाते हो, तो वहाँ पे आपको IP एड्रेसिंग का जितना भी सबनेट्स रहता है वो सब के बारे में जानकारी रहना जरूरी है। उसके बाद अगर कोर नेटवर्क में आप जाते हो तो राउटर स्विच का पूरा कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हम लोग कोर राउटर्स और स्विचेस बोलते हैं, उसका भी कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। उसके बाद और एक पॉइंट आता है जहाँ की आपको अगर वेल एक्सपीरियंस आ जाता है तो उसके बाद आपको अपना एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा या फिर करियर के लिए एक पॉइंट चूज करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर इस फील्ड में मैं जाके अपना करियर बनाना चाहता हूँ और एक्सपांड करना चाहता हूँ। तो फायरवॉल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जाके आप अपना करियर बिल्डअप करा सकते हो। तो इसके लिए भी स्टार्टिंग आपको नेटवर्क से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि नेटवर्क क्या है, नेटवर्क में क्या क्या होता है और नेटवर्किंग में क्या क्या कमी है और उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट लगना चाहिए, ये सब बातें जो है रूल्स एंड रेगुलेशन लगाना जो है वो सब बातें हम लोग फायरवॉल में ही करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर आपको आगे जाके करियर भी करना है तो फायरवॉल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर एक बार आपको ये सब एक्सपीरियंस आ जाता है तो इसके बाद आप एज ए जूनियर नेटवर्क इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हो और यहीं से आपकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। नया इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग जहाँ पे मेंटेन करते हैं तो वहाँ पे कम से कम मिस्टेक्स हो, यह बात हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगाना वहाँ पे जरूरी रहता है, तो इसमें आपको सीखने की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये भी आप अगर हो सके तो ट्राई कर सकते हो। अभी आपने ये सब नॉलेज गेन कर लिया, आपको नेटवर्किंग का सब कुछ पता है, राउटर स्विचिंग का, फायरवॉल्स का, DMC का, ये सब बातें आपको अगर पता है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स आपको सब आते हैं, राउटर स्विचेस में जितनी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हो आपको सब पता है, तो ये सब नॉलेज आने के बाद अगर आप जॉब के लिए जाते हो तो आपके लिए कौन से ऑप्शन है, आपको क्या क्या प्रोफाइल मिल सकते हैं, ये एक आपको बताता हूँ। नेटवर्क स्पेशलिस्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क टेक्नीशियन, नेटवर्क एनालिस्ट, नेटवर्क मैनेजर, नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क सोल्यूशन आर्किटेक्ट, वायरलेस नेटवर्क, नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, VIP इंजीनियर्स एटसेट्रा। नेटवर्किंग के ही ये मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए, तो 10 पॉइंट्स में आप मूव ऑन कर सकते हो किसी भी एक स्पेशलाइजेशन में। इसके बाद भी अगर आपको करियर सेटल कराने के लिए आपके पास जो ऑप्शंस आते हैं वो है क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन, उसमें नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी आता है, VIP वायरलेस आता है और फुल स्टैक में आता है, ऑल ओवर ऑलराउंडर है, तो आपको ये फुल स्टैक में ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी। तो यही सब बातें अगर आपको एज ए नेटवर्क इंजीनियर काम करना है, आपको नेटवर्क इंजीनियर बनने की आप ख्वाहिश रखते हो, तो ये सब बातें आपको आना जरूरी है। और अभी मैंने इसमें खाली आपको एक पाथ बताया है, जैसे कि जिसको आप रेफरेंस पॉइंट पकड़ के आप नेटवर्क इंजीनियर जा सकते हो। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि राउटर कॉन्फ़िगरेशन, स्विच कॉन्फ़िगरेशन, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स आते हैं, तो एक्सेस पॉइंट और वायरलेस राउटर्स कॉन्फ़िगरेशन आता है, वायरलेस कंट्रोलर आता है, तो ये सब बातें जो है, और TCP/IP प्रोटोकॉल्स भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये सब बातें आपको खुद आना जरूरी है। इसके बारे में आपको अगर कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, तो उनको भी हेल्प होगी अपना करियर बनाने में। और अभी तक आपने नॉलेज मॉड्यूलेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके नॉलेज मॉड्यूलेशन सब्सक्राइब करो, बाजू में दिया गया बेल आइकॉन भी प्रेस करो जो कि आपको नोटिफिकेशन सेंड करेगा। और ये वीडियो आपने पूरा देखा इसलिए थैंक यू।